राजवीर जी का जो निदेशक है नॉर्थ जोन के कृषि विज्ञान केंद्र के, स्वागत करता हूं। इन्होंने अभी फार्मर से जो विचार विमर्श किए कि फार्मर क्या क्या कर रहा, फार्मर ने अपने फीडबैक दिए। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब पिछले कल भी हमारे बागवानों के बीच में थे, आज भी बागवानों के बीच में लग रहा है कि भी रियली में एक ऐसे निदेशक महोदय हैं जो बागवानों के उत्थान के लिए इस धरती पे आए हैं। तो मैं इनकी वाणी से चाहता हूं कि ये हमारे बागवानों को सलाह दे, मशवरा दे कि वो कैसे आगे बढ़े, खास करके कृषि विज्ञान केंद्र की जो डॉक्टर नरेंद्र काइत जी है यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कि कैसे आगे बढ़े। प्लीज़, सबसे पहले तो मैं आज बड़ा ही खुशी का और पवन दिन है, हिमाचल दिन भी है आज, हिमाचल का जो देव होता है, तो मैं सबका आपको बधाई देना चाहूँगा। और यहाँ पहुँचने पे मैं आप सबका नंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर कैथ का इसलिए और भी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं सही में बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिस तरह से इस ग्रुप को देखा है और जिस तरह से नौजवान किसान आगे आए हैं, भाई रियली मैं एक तरफ और भाग में देश के भाग में जाते हैं, देखते हैं कि यूथ सारा एग्रीकल्चर से दूर जा रहा है। और यहाँ देख के हैरान हूँ कि सभी नौजवान साथी, कल भी हम जिन किसानों के बीच में मैडम गए, सभी किसान जो नौजवान थे वो काफ़ी आगे आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जितना इंटरेस्ट से आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे और जितना मतलब आप इंटरेस्ट से चीज़ों को पूछ रहे हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय बहुत ही उज्ज्वल है हमारा। इसके साथ मैं खास करके चौहान साहब का धन्यवाद, और मैं उनको उत्साहित भी करना चाहूँगा कि आप जिस मुहिम में लगे हैं सुभाष जी, ये रियली में एक्सीलेंट है। हम कल बात कर रहे थे किसानों से, तो कुछ नौजवान बिल्कुल ही 20-22 साल के जो लड़के थे वो बोल रहे थे कि जी मेरा जो सपना है वो ये है कि मैं, हमारा जो एप्पल है वो पूरी दुनिया में जाए। मुझे लगता है जो आप काम कर रहे हैं, यदि इसको और आगे बढ़ा पाए हम, और क्वालिटी का एप्पल यदि हम प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए, हमारा हिमाचल एप्पल के नाम से मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1-2 दशक के अंदर पूरी दुनिया के अंदर यहाँ के एप्पल की गुणगान होगा और पूरा एक्सपोर्ट के अंदर जाएगा ये हमें, क्योंकि जिस लगन और जिस मेहनत के साथ आप काम कर रहे हैं, कोई मेहनती आदमी कोई डिले कर सकता है, रोक नहीं सकता। तो जो जिस भावना के साथ और जिस मेहनत के साथ आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो आप लोगों का है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी देखी, जैसे नेट लगा हुआ था, पानी देने का तरीका जो था वो बहुत अच्छा था, मल्चिंग की हुई है, मैं देख के हैरान हूँ कि किस तरह से यू नो ऑर्चर्ड एंड पोल्ट्री का कम्बिनेशन किया हुआ है, कैसे मुर्गी हमारी साथ करती है, किस तरह से हमारे बाग को सफाई करने में मदद करती है, किस तरह से आप मतलब और एनिमल्स के साथ इंटीग्रेशन किया है, अद्भुत। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हूँ आपका एक्टिविटीज़ देख के, और मेरे को जोश मेरा डबल हो गया है इसको देख के कि भाई ये रियली में बहुत अच्छी चीज़ें अपनिंग हो रही है। और एक ख़ास बात जो मैंने और ऑब्जर्व की उसके अंदर ये था कि चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा मैंने अद्भुत एग्जाम्पल अभी तक नहीं देखा कि इतना क्लोज नेटिंग के साथ कोई काम करता हो। मेरी आप सब किसान भाइयों से, नौजवान साथियों से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से जिस लगन से आप काम लग रहे हैं कर रहे हैं, आपको मतलब असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने आप को मैं बहुत मतलब भाग्यशाली मानता हूं आज का दिन, हिमाचल दिन, और इस पवित्र दिन पे हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए, वार्तालाप हुई, डिस्कशन हुआ, चीज़ें देखी गई, ऑब्जर्व की गई, सजेशंस आए, तो आप सबका बहुत बहुत मैं ऋणी हूँ मेरे को ये मौका दिया। और ये जो चीज़ें मैं जानबूझ के मेरे साथी से कह रहा था कि फ़ोटो ले लो ताकि मैं जाके ये तो यहाँ एक्शन हुआ है, इस एक्शन को हम और आगे तक पहुँचाएंगे, उन लोगों को दिखाएंगे कि भाई छोटे से एरिया के अंदर है और किस तरह का मतलब आपने रिवोल्यूशन क्रांति लेके आए हुए हो, अद्भुत। तो ये चीज़ें हम दिखाएंगे। और जो जो साथी अब पंजाब की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ तो ट्रेंड ही बिल्कुल अलग हो गया, या तो नौजवान साथी हैं जो वो बुरे कामों में नशों में लगे हुए हैं, या फिर वो एक ऐसा वर्ग है जो जो प्लान कर रहा है कनाडा ऑस्ट्रेलिया के सपने देखता है। तो वहाँ आने वाले समय में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूथ को कैसे हम वो खेती में दोबारा से जोड़ें। और यहाँ बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड लगा मेरे को कि यूथ है जो वो खेतों में है, बागों के अंदर पोलिनेशन का देख रहे हैं कि हो भी रही है नहीं। आपने देखा मधुमक्खी के अंदर, सूरज जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह से ये मतलब मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से समझाया, और अद्भुत। बहुत ही आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हाँ नहीं, अभी अभी वो बात मैं थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था। ये यस आगे जो हमारा जो 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 नौजवान साथी है ना, इंटरनेट और मोबाइल स्मार्टफोन इनके अंदर और अपनी महारियत हासिल करें। ई नाम की जो मतलब एक स्कीम चल रही है उसके अंदर सारी मार्केट्स जो मंडियां हैं वो जोड़ दी जाएगी अगले एक दो साल के अंदर, काफ़ी जुड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन भी आएगा कि आप सीधा ट्रेड करेंगे, आप बिचौलियों के बीच में नहीं आएंगे। नहीं, मैंने 20 किलो यदि सेब भेजना है तो हम अमेजन से या किसी से भी भेज सकते हैं वो, लेकिन मेरी क्वालिटी ये होगी। मैं एक दो एग्जांपल जरूर बताना चाहूँगा। कश्मीर के अंदर ऐसे कुछ फार्मर है, कल भी हमने डिस्कस किया था, कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब इनोवेटिव जो यहाँ के फार्मर है, ऑर्चर्ड ग्रोवर्स हैं, उनको हम कश्मीर में जरूर लेके जाएंगे, उनको आपस में उनका वहाँ जाके देखेंगे वो किस तरह से कर रहे हैं, राइट। तो वो आपस में आदान प्रदान से आदमी बहुत कुछ सीखता है, कुछ चीज़ें आप सीख के आएंगे, कुछ चीज़ें वो आपसे सीखेंगे। हाँ जी, तो इस तरह से मैं ये बता रहा हूँ, वहाँ कुछ फार्मर ऐसे हैं जो एक एक जो आपका पेटी है उसको इंडिविजुअल बेचते हैं। वो अपने सेब को खेत में जाता है और फोटो लेता है, फोटो बॉम्बे भेजता है, दिस इज़ माई ऑर्चर्ड, नाउ आई एम पिकिंग इट नाउ, एंड अगली फोटो उसकी होगी, नाउ आई एम पैकिंग इट एंड नाउ इट विल बी गो बाई कुरियर। और नहीं, वो पैकेट दिखा के उसके बाद बोलेगा इतना पैसा पहले ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करते ही हमें और वो उसका वो भेज देगा। ये चीजें आगे आनी है हमें मार्केट और खासकर के आपके लिए मैं इसलिए जाना वो ज्यादा मतलब उत्सुक हूँ कि क्योंकि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। यही ऑपरेशन आप कैप्चर करें, अपनी वेबसाइट पर डालें और उनको बताएं जो भी ट्रेडर्स हैं कि सीट ठीक है ना, आप देखो मेरे उनके किसी एजेंट को बुला लो कि विजिट माई ऑर्चर्ड, यहाँ दिखाओ, कहते देखो ये क्या चीज़ है, तो उसके बाद मार्केटिंग करेंगे, रेट डबल ट्रिपल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से सोच बनानी पड़ेगी और मुझे हाँ थोड़ा हाईटेक होना जरूरी है। और नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, यू नो इट विल बेस्ड ऑन सेंसर्स, इट विल बेस्ड ऑन ड्रोन्स, इट विल बेस्ड ऑन सैटेलाइट, तो हमें इनका कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वो उस तरह से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाता वो भी आउटडेटेड हो जाता है। तो ये एक किस्म से आप लगाओ, जैसे आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ये तो हमारा मतलब हजारों सालों से चल रहा था, हमने छोड़ दिया उसको, आप फिर उसको आ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी आपका काम कर रहे हैं। इस चीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए मार्केटिंग हम नई टेक्नोलॉजी से करेंगे, प्रोडक्शन हमारी ट्रेडिशनल से करेंगे, तो साइंस का फायदा हो गया ना। बिल्कुल, तो ये चीज़ और हम आपको किसी न किसी प्रोग्राम में आपको इनवाइट भी करेंगे, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो और लोगों को भी बताएं भाई आपने क्या बाकी किया। बाकी तो सर हमारे को एसडीओ साहब से बहुत सहयोग मिलता है। नहीं नहीं, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनका जो आपस में आई मीन कोऑर्डिनेशन है अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया। नहीं, इनकी लगन से सारी ये सारा वर्क हो रहा है। हम इनको कॉलेज में भी बुलाना चाहेंगे क्योंकि लोकल एरिया के बच्चे वहाँ, हाँ हाँ नहीं मैडम, और वहाँ पे काफी बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, अगर वो बच्चे इस लेवल पे सीख जाएंगे। सावड़ा में पिछले साल बड़ा अच्छा इवेंट हुआ था, मैं गया था और फार्मर के साथ गया था, और सीमा में बाई चांस पोस्टपोन होते पोस्टपोन ही हुआ। हाँ बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं कि वहाँ से, तो सर पढ़ा हूँ मैं, मैम वहीं का स्टूडेंट हूँ और हम लोग तो आपको हम इनवाइट करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।